ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि जब भी हम वोटर आईडी कार्ड के नए पोर्टल का इस्तेमाल करके वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करते हैं या फिर नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन के बाद यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड है वो बना या फिर नहीं बना, जो करेक्शन किया था वह करेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, तो उसका स्टेटस आप किस प्रकार से देख सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आप सभी को स्टेटस देखना सिखाने वाला हूं, जिससे कि आप ये भी समझ पाएंगे कि जब भी आप वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करते हैं या फिर नया वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं तो कितने दिनों के अंदर अंदर वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, और जैसे ही वोटर आईडी कार्ड बन जाता है तो आपको पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे भेज दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस देख ले, अच्छे से समझ ले। इसके अलावा अगर आप वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सीखना चाहते हैं, करेक्शन करना सीखना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना सीखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बने हुए हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे वोटर आईडी कार्ड आवेदन का स्टेटस देखना। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस देखने के लिए मतदाता सेवा पोर्टल पे आ जाना है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन करना है। जब आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया होगा या फिर करेक्शन के लिए आवेदन किया होगा तो यहाँ से ऑलरेडी आप आईडी बना चुके होंगे, तो उसी आईडी का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, जिस आईडी से आपने आवेदन किया है। तो यहाँ पर किस प्रकार से लॉगिन करना है तो वो एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप आईडी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे जो कि आपने आईडी क्रिएट की थी जिसके माध्यम से आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था या फिर करेक्शन किया था, वह आईडी व पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आपको एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे, वह ओटीपी नंबर आप जस्ट यहाँ पे दर्ज करेंगे एंड वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन का स्टेटस का ऑप्शन आपको मिलेगा, जो देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन, तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर होंगे, इस प्रकार का मैसेज मिला होगा जब आपने आवेदन किया है, तो वह रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं और यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना है और सबमिट पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस दिखाने लग जाएगा, रेफरेंस नंबर स्टेट वगैरह दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया है, करेक्शन के लिए किया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस बताएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले जब आपने आवेदन किया था वो दिनांक बताएगा, तो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दिनांक कौन सी है, उसके बाद कितने दिन के अंदर ये जनरेट होके आपको मिला है, तो यहाँ से आप बड़े ही आसानी से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जब हमने आवेदन किया था तो यहाँ पे ये आवेदन किया है, उसी दिनांक को बीएलओ अपॉइंटमेंट हो गया, यानी कि बीएलओ के पास पहुँच गया था जो कि इसकी जांच करेगा। उसके बाद बीएलओ के द्वारा जांच की गई थी, तो बीएलओ के द्वारा जो जांच की गई थी वो जस्ट यहाँ पे अगले दिन जांच कर दी गई थी, यानी कि एक ही दिन के अंदर फील्ड वेरीफाई हो गया था। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्योंकि अभी इस पोर्टल से प्रोसेस बड़ा ही आसान हो गया है। जैसे ही फील्ड वेरीफाई हुआ तो 10 दिनों के अंदर अंदर ये एक्सेप्ट भी हो गया। अभी आप स्क्रीन पर डेट देख सकते हैं, ओनली 10 दिन लगे और ये एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईपिक जनरेट हो गया कुछ ही दिनों के अंदर, और ईपिक जनरेट होने के बाद पोस्ट के माध्यम से इसे भेज भी दिया गया। अब जो पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है उसको देखना है कि वो आपको मिला या फिर नहीं, कहाँ पे वो पड़ा हुआ, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी आप करेक्शन करते हैं, नया आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे ये सभी प्रोसेस आपको दिखाई देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रेफरेंस नंबर अभी आपने कॉपी किए हैं या फिर जो कंसाइनमेंट नंबर वो डालने हैं और एक कोड डाल के सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कहाँ पे आपका वोटर आईडी कार्ड पहुँचा वह भी बता देगा। यह तरीका था वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस देखने का। तो यहाँ पे देखा आपने कि कितने स्तर पे वेरीफाई वो होता है, तब आपका वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो भी आपने करेक्शन किया है या फिर नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया है तो वह वोटर आईडी कार्ड बनता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड की ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसें इस पोर्टल पे अवेलेबल हैं, उन सभी सर्विसों को उपयोग में लेना अगर आपको सीखना है तो इसी वीडियो के नीचे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।